कर्तव्य की बेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों की याद में खरगोन जिले में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर डीआरपी लाइन मैदान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर के विभागीय कर्मचारी अधिकारी आयोजन का हिस्सा बने और नम आंखों से सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि 62 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा हॉट स्ट्रिंग लद्दाख क्षेत्र में सीआरपीएफ के 10 जवान प्लाटून सीमा की चौकसी में तैनात थे। इसी समय मौका पाकर चीनी सेना ने अचानक हमला कर दिया, जबकि संख्या कम होने के बावजूद भारत के जाबाज सिपाहियों ने उनका डटकर मुकाबला करके अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और तभी से दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस अवसर पर डीआईजी तिलक सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, डॉक्टर नीरज चौरसिया सहित अनेक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान खरगोन डीआईजी तिलक सिंह ने बताया कि देशभक्ति जन सेवा के जज्बे को श्रद्धांजलि देकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। राठौर, कांस्टेबल आलोक गुप्ता, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र चंद, कांस्टेबल बिजन विश्वास, कांस्टेबल लेख होल कर्मघोन घोसई, कांस्टेबल नीमा धनडोंडो, कांस्टेबल श्री नारायण मीणा, कांस्टेबल तटेंग यॉर्पेन, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल एल बालू छमी, कांस्टेबल प्रदीप कुमार। शहीद दिवस है, सैकड़ों हजारों पुलिस जवान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए, शांति के लिए शहीद हो गए। एक पुलिस अधिकारी के बतौर पे के बतौर एक शहादत को आप कैसे दें और आज का संदेश है? जैसा कि हमारा उद्देश्य है देशभक्ति जन सेवा, और इस वजह से भी हम लोग जो है पूरी अपने जान की छावर करते हुए भी देश की सेवा करते रहते हैं। हम उन सभी पुलिसकर्मी और सैनिक बल के लोगों को याद करते हैं जिन्होंने पिछले एक सालों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज हमने 377 उन पुलिस अधिकारियों की को स्मृति में लिया है जिन्होंने अपने विगत एक साल में अपने प्राणों की आहुति दी है। देशभक्ति जनसेवा के नाम पर हम लोगों ने अपने जो दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बतौर हम लोग काम करते हैं, और इस वजह से ही पुलिस के लिए के रूप में जो देशभक्ति हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज के युवा भी इसके लिए आकृष्ट हैं और इस पुलिस सेवा में आने के लिए या सैन्य बलों में आने के लिए जो जैसा कि सर ने बताया उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है जीवन में अगर हम अपने देश के सेवा में अपनी जान तक लगा देते हैं। सर गुड मॉर्निंग, सिद्धार्थ चौधरी, SP खरगोन। समय पुलिस निरंतर अपना समग्र बलिदान कर रही है और ये परंपरा निरंतर चालू है। बहुत से युवा हैं जो पुलिस सेवा की ओर आना चाहते हैं, बहुत से युवा हैं जो पुलिस सेवा में भर्ती हो चुके हैं। आप क्या संकल्प है आपका, क्या एक संदेश है उनके लिए? आज पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें विगत एक वर्ष में जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद होते हैं उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और निश्चित तौर से पुलिस आंतरिक सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, और इस महत्वपूर्ण कार्य करने के दौरान में उसको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये देश सेवा का एक बहुत अच्छा अवसर है इसमें। और युवाओं को निश्चित तौर से जिनमें देशभक्ति की भावना है वो जो चाहते हैं कि हम देश सेवा करें और अपने देश की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहे, उनको निश्चित तौर से पुलिस सेवा में आना चाहिए। मेरा तो हमेशा से कहना रहा है कि जिन्होंने सीख लिया देश के लिए मरना, देश के लिए जीना, उन्हीं का ही ये 56 इंच का सीना। तो ऐसी भावना को लेकर के युवा पुलिस विभाग में आएंगे और पुलिस का सहयोग भी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तिलक सिंह, DIG खरगोन रेंज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।